हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो हम गए थे धाम खाने और यहाँ पर लगी थी बारिश और बहुत ज़्यादा तूफान, तो हम खाना खाने बैठे थे और ऊपर से लगाया था तरपाल और चार के पास यहाँ पर कुछ नहीं था क्योंकि नीचे से आग जलती है और फिर धुआं भी, मतलब आग जलने से जलने का भी डर रहता है। तो ये हमारे पास पतले और चावल, उसके बाद आ चुकी थी दाल, जिसको हम अपनी भाषा में धोई दाल बोलते हैं। उसके बाद आ गया था खट्टा कद्दू और साथ में और भी बैठ रहे थे खाना खाने वाले। उसके बाद मटर पनीर और उसके बाद मिक्स दाल, ये है मिक्स दाल। और उसके बाद आ गई थी कढ़ी, ये कढ़ी है। और इसके बाद आया मीठा और फिर हमने खाना खा करके, बारात आने का टाइम भी हो चुका था तो हमने खाना खाया और साथ में लिया भी घर के लिए। उसके बाद हम बैठ गए थे आंगन में, बारात का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर गा जा रहे थे पहले इतनी चीज खाई जाई कर एक बार दो क्या बना रहा है यही खाए चाहिए। कल कमर को पाई दूंगी, यूट्यूब पाई दे दूंगी। स्टेज बंद होनी Thank you.
उनका गृह प्रवेश हो चुका था और अभी जा रहे थे। जैसे हम बॉडी के पास जाते हैं और वहाँ से लाते हैं पानी और फिर पूरे परिवार को पिलाते हैं, तो दूल्हा और दुल्हन जा रहे थे बॉडी के पास पानी लाने। और हमारे घर थोड़ा यहाँ से दूर है, तो हमने इतना सा शादी का इंजॉय किया। और फिर उसके बाद और भी सभी लोग आ गए थे, हमारे परिवार वाले भी और गांव वाले भी। तो अब हम चल पड़े हैं घर के लिए और अभी सुबह के शाम के बजे हैं 9। तो ये हमारे गांव की लड़कियां थी और अब हम देखिए कितना प्यारा लग रहा था यहाँ पर। और रात को तो ऐसे भी बहुत ही प्यारा लगता है, लाइटें वगैरह टिमटिमाती हुई। तो अब हम चल पड़े हैं अपने घर के लिए। उसके बाद मैंने वीडियो कैप्चर नहीं की क्योंकि अंधेरा था और फिर हम आ गए थे घर के लिए। तो हम पूरे गांव के लोग सभी इकट्ठे होकर के जाते आते हैं क्योंकि फिर डर नहीं लगता। हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो ये रह गए हमारे घर नीचे, ये नीचे, और यहाँ पर गौरू, कालू, कट्टू सभी दिखाई दे रही है नीचे। तो आज मैंने इनको चरने के लिए नहीं छोड़ा और मैं आई हूँ घास लेने। तो घास लेकर के मैंने जाना है घर में और उसके बाद जाना है घनाघू घाट में। तो मैंने बच्चों को तैयार करके उनको भेज दिया स्कूल और पशुओं का उनको बाहर बांध करके घास दिया था मैंने पहले जब बाहर बांधे थे और फिर बाद में पानी पिलाया। और अब आ गई हूँ मैं घास को, तो घास लेकर के पशुओं को अंदर बांध करके और फिर जाऊंगी मैं घनाघू घाट में। तो देखिए कितनी दूर आई हूँ यहाँ से और आज बच्चे भी मेरे साथ नहीं है और फिर डर लगता है अकेले। तो देखिए कैसे यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और कैसी यहाँ पर जंगल है, सुनसान। तो अब मैं काट लेती हूँ घास और उसके बाद पता नहीं मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी या नहीं।